दूसरे भाई से मिलते हैं, क्या कहते हैं, ये परोपकार सेवा संस्थान के जो है एक सदस्य हैं और अभी वर्तमान समय में जो है इनके कंधे पे जिम्मेवारी है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जी अभी अनुपस्थित है, जिसके वजह से इनके कंधे पे सारा जो है देखना है और समाज को लेकर चलना है, क्या कहते हैं आपका भैया जी, शुभ नाम? यस, चंचल सिंह। अच्छा, ये संस्थान के आप क्या हैं? कार्यकर्ता हैं। तो क्या आपका संस्थान किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग का संस्थान का नाम है PSS ग्रुप, परोपकार सेवा संघ, और गांव के विकास के लिए हमने बनाया है। इसमें हमने बहुत सारा कार्य और सिद्ध कर चुके हैं, रोड पे लाइट लगा चुके हैं आने जाने के लिए लोगों को लिए। करीब कितना लाइट लगा होगा आपके संस्थान के तहत? 50 लाइट अब लगा, गाँव के गलियों में भी लगा चुके हैं, रोड पे भी लगा चुके हैं, और मंदिर का भी प्राचीन मंदिर था उसकी हमने मरम्मत करवाया है, कुछ मंदिर बनवाया भी गया है। और रोड पे हमारे गांव की महिला जो है शाम को टहलने जाती है, सुबह में टहलती है, उनके लिए हमने बैठका बनवाया है, और भी आगे बहुत सारा ऐसा प्लान है। आपके संस्थान के द्वारा पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात। और हम नवयुवक वर्ग से ये कहना चाहेंगे कि नहीं, हर गांव में एक ऐसी टीम हो, एक ऐसा संस्थान हो जो कि ग्रामीण के दुख सुखों में हितों की बात सोचे। जय श्री कृष्ण।